हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन पॉजिटिव रिएक्शंस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आई होप अपने घरों में बढ़िया होंगे और मोस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगी इस वीडियो को देख के। सो गाइस, लास्ट वीडियो में जो मैंने की थी रिएक्शन ढाका सिटी में, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आया था, आपका काफ़ी ज़्यादा लव और सपोर्ट आया। तो उस प्यार, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, एक तरह से थैंक यू। सो गाइस, आज की वीडियो ना जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन देगी। मतलब जो लोग हैं उनको दिल से इंस्पिरेशन मिलेगी आपको ये वीडियो देख के, और आपको प्राउड होगा कि टू बी अ बांग्लादेशी। सो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश आर्मी जो कमांडोज़ हैं, जो बांग्लादेश आर्मी कमांडोज़ हैं उनकी ट्रेनिंग की ये वीडियो है जो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं कि मुझे कितना पता है बांग्लादेश आर्मी के बारे में। मुझे जितना पता है, मैंने थोड़ी रिसर्च की है, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, बांग्लादेश की जो आर्मी है जो कि फॉर्म हुई थी 26 मार्च 1971 को, राइट, मतलब आज से 50 ईयर्स पहले जो है बांग्लादेश की आर्मी फॉर्म हुई थी, जिसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो ढाका के, ढाका में ही इनका मेन कॉन्टिनेंट, और इसमें अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 260,000 कुछ इतने पर्सनल, एक्टिव पर्सनल्स हैं बांग्लादेश आर्मी में। सो अगर मैं बात करूँ इनकी कमांडो जिसकी हम वीडियो देखने वाले हैं, बांग्लादेश आर्मी कमांडो, जैसे हमारे इंडिया में SF होते हैं, पैरा SF, पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो कि इंडियन आर्मी की, हमारी इंडियन आर्मी की एलीट फोर्सेस होती हैं, तो वैसे ही बांग्लादेश की भी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको स्पेशल कमांडोज कहा जाता है, मतलब सिमिलर टू इंडिया, वैसे उनका नाम है, कुछ अलग से नाम है नहीं। इनकी और भी स्पेशल फोर्सेस हो सकती हैं गाइस, मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो हम जिनकी वीडियो देखने वाली है, देखने वाले हैं, जो हैं बांग्लादेश के स्पेशल कमांडोज, उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है आपको पता है, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है उनकी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क किए जाते हैं, मतलब जो टास्क एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक दिल में जज्बा होना चाहिए, वो उस तरह की प्रैक्टिस, उस तरह का जज्बा चाहिए तभी आप क्लियर कर सकते हो एक कमांडो की ट्रेनिंग। तो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है गाइस, तो हम चेकआउट करेंगे कि कैसी ट्रेनिंग होती है बांग्लादेश की आर्मी की, उनके कमांडोज की, फिर रिव्यू करते हैं लास्ट में, वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। What is your commander? What is your mission? Tell me what is your mission? Guys, starting तो बहुत ज़्यादा hard हो गई होगी। वो mission के बारे में पूछ रहा है, right? Information निकालने की कोशिश कर रहा है। देख के लग रहा है कितनी हार्ड ट्रेनिंग है गाइस। गाइस बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग लग रही है, देखने को लग रहा है সম্পর্কে যতটুকু নতুন করে জেনেছি সেগুলোই যোগ করেছি আজকের আয়োজনে। চলুন আমাদের সবার প্রিয় প্যারা কমান্ডো নিয়ে কিছু ধারণা নেওয়া যাক। বাংলাদেশের সবচাইতে শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ স্পেশাল ফোর্স প্যারা কমান্ডো। প্যারা কমান্ডোরা প্রত্যেকই প্যারা জাম্পে খুবই দক্ষ। গাইস, প্যারা কমান্ডোর সবচেয়ে বড় খুবই প্যারা জাম্প করে নিয়েছে। তো জাম্প করনা পড়তা হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে প্যারা কমান্ডোরা বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করবে, যেমন জিম্মি উদ্ধার, শত্রু এলাকায় অনুপ্রবেশ করে সাবোটাজ, গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন সংগ্রহ করা, সার্ভেইল্যান্স মিশন পরিচালনা করা, স্পেশাল এয়ারবোর্ন মিশন পরিচালনা করা ইত্যাদি।
আর শান্তিকালীন সময়ে তারা কাউন্টার টেরোরিজম অপারেশন পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে একাধিক কমান্ডো কন্টিনজেন্ট জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ চৌকস অফিসার এবং সৈনিকদের নিয়ে গঠিত এই স্পেশাল ফোর্স, যার সকল সদস্য উচ্চমাত্রায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। প্যারাকমান্ডোর যাত্রা প্রায় বলা যায় 90-এর দশকে, তখন থেকেই শুরু হয় দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ। কমান্ডো প্রশিক্ষণ অত্যন্ত কঠোর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণে দৈহিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তিরই প্রাধান্য বেশি। কমান্ডো শুধু তারাই হতে পারে যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, যারা সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রশিক্ষণে নির্মাণ। ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लग रहा है वैसे दिखने में इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, पर जो करेगा ना बंदा उसको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। जाए गए जे कोनो समय जे कोनो परिस्थिति मुकाबला करते पारे। ओ यार बहुत हार्श लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है गाइस। कर कैसे रहे यार, ये कर कैसे रहे कसम से, बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बहुत नेक्स्ट लेवल है। ছয় মাসের কঠোর শারীরিক মানসিক ট্রেনিং এর পাশাপাশি শেখানো হয় বিভিন্ন ট্যাকটিক্স। প্রত্যেক সদস্য জানে কিভাবে দুর্গম অঞ্চলে বেঁচে থাকতে হয়, কিভাবে অনেকদিন লুকিয়ে থেকে সেখান থেকে নিঃশব্দে ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরিয়ে দিতে পারে শত্রুবাহিনীকে। এই কমান্ডোরাই একটা গোটা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। তাই একজন সৈনিককে যেতে হয় কমান্ডো বাছাই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বাছাই চলে শারীরিক যোগ্যতা, ধৈর্য, শক্তি, অস্ত্র চালানোর কৌশল, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় মানসিক শক্তির ওপর। এরপর একে একে সব যুদ্ধ কৌশল সহ অনেক অ্যাডভান্স কমান্ডো কোর্স সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স থেকে তারা প্যারা কোর্স সম্পন্ন করে। এই প্রতিষ্ঠানে প্যারাট্রুপারদের প্যারাজাম্পের পাশাপাশি প্যারাজাম্প সম্পর্কিত সব শেখানো হয়। এর অধীনে তারা সম্পন্ন করেন বেসিক প্যারা কোর্স। সবশেষে দিনে এবং রাতে 5টি সফল জাম্পের মাধ্যমে এক একজন সাধারণ সেনা এক একজন কমান্ডো রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্যারাকমান্ডো কোর্স সম্পন্ন করা সব অফিসার এবং সৈনিক প্যারাকমান্ডো ইনসিগনিয়া পেয়ে থাকেন। তাদের মাঝে যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে জাম্প মাস্টার, পাথফাইন্ডার, রিগার, রেঞ্জার্স, স্নাইপার প্রভৃতি কোর্স সমূহ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশ থেকে সম্পন্ন করে থাকে। আমরা অনেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্ল্যাক ইগল স্নাইপারদের নাম শুনেছি। দেশে বিদেশে তাদের সুউচ্চ পাহাড়ে দৌড়ে বেড়াতে হয়, টিকে থাকতে হয় শেখা সার্ভাইভাল ট্রেনিং এর উপর ভরসা করে। পদে পদে বিপদ পাড়ি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করতে হয় স্নাইপারদের। এছাড়াও কেউ কেউ SBCC কোর্স, SBCC মানে স্পেশাল বোট কমব্যাট ক্রু। এই কোর্স সাধারণত নেভাল কমান্ডোদের করানো হয়ে থাকে। যারা জলে স্থলে আকাশে সবসময় বিপদ ঝুঁকি মোকাবেলা এবং অপারেশন ক্ষমতা আরো বেগবান করতে সেনাবাহিনীতে একাধিক কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে এবং তাদের নিয়ে একটি কমান্ডো ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। প্যারা কমান্ডো ভালো মানের অস্ত্র এবং গ্যাজেট ব্যবহার করে থাকে। তাদের প্রধান এবং সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র টাইপ 56 SMG। এরপরে আসে হেকলার অ্যান্ড কস MP5, এইম, UGI SMG এবং এইম রাইফেলের নাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো সদস্যের হাতে ক্রিস ভেক্টর জেনারেশন 2 সাবমেশিন গান। মডার্ন এই SMG-টি আমেরিকা থেকে কেনা হয়েছে, যেটা প্যারা কমান্ডো ব্রিগেডের আধুনিকায়নের একটি। তো গাইজ, যহাঁ পে ভিডিও কা এন্ড হোতা হ্যায়, বহুত জ্যাদা ইন্সপিরেশনাল ভিডিও থি গাইজ। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो को देखते टाइम ऐसे इंस्पिरेशनल फील हुआ कि नहीं। ये जो अपने अंदर के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइज, ऐसे आपने देखा जब वो ऊपर से कूद रहे थे हवाई जहाज से, उनकी जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग थी, उसको देख के खुद को ऐसे फील होता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल पर्सन है, उससे ये सब करवाया जाए तो वो कसम से एक दो घंटे ना टिक पाए, वो एक सेकेंड ना टिक पाए। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। हमारी जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत हार्ड होती है गाइस, आपको पता है। कोई भी स्पेशल फोर्स हो, किसी भी कंट्री की हो, वो मतलब एफिशिएंसी एक नेक्स्ट लेवल पे एफिशिएंसी होती है उनकी। जो उनकी जो उनका जो पर्सनैलिटी होती है, जब उनका ड्रेसअप होता है गाइस, कसम से उनको देख के ना मोटिवेशन मिलती है। जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसको, जो अपने रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग अपना हीरो, जो अपने रोल मॉडल किसको मानते हैं, जो आजकल टीवी पे एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेस होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें
इन जैसे लोगों को जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो हमें रक्षा कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, जो कि नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है। तो गाइस इन लोगों को हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। और मैं वीडियो के ऊपर रिव्यू की बात करूं तो गाइस जो इनकी ट्रेनिंग थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। जब वो उनके मुँह के ऊपर रखा हुआ था, वो उसे टॉर्चर कर रहे थे, मतलब एक तरह का टॉर्चर था, पूरा टॉर्चर कर रहे थे वो कि सच बता, अपना ऑपरेशन बता, अपने लीडर का नाम बता, बट उस बंदे ने मुँह नहीं खोला गाइस। इतना ज़्यादा टॉर्चर, कसम से बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग थी। मैं तो बीच में देख के मतलब ऐसा लग रहा था यार झेल कैसे रहे हैं भाई, ये कर कैसे रहे हैं, हमसे तो हो ही ना पाए। इतनी ज़्यादा गाइस बहुत ज़्यादा डेंजर थी। उनके पास हर तरह के वेपन्स होते हैं, आपको पता है, UMP, फिर जो लेटेस्ट AKMs होती हैं, जो भी उनके पास टैक्टिकल्स होते हैं, स्नाइपर्स, हर तरह के जो रोल्स होते हैं एक ऑपरेशन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको मतलब हर सिचुएशन में, चाहे वो कैसी भी कितनी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, उससे निकलने की उनको एक नेचुरली एक स्किल दी जाती है, जो कि ट्रेनिंग में होती है कमांडो के पास। सो गाइस बहुत अमेजिंग वीडियो थी और बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग थी, जो कि बांग्लादेश के कमांडो स्पेशल फोर्सेस में जो आते हैं पैरा कमांडो, उनकी जो ट्रेनिंग थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस चाहते हैं मैं किसी और वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।